أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा तहज्जुद की वो दुआएं जो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे जब वो तहज्जुद में उठते थे। और वैसे भी जो कलमात उन्होंने पढ़े और जो कलमात हमें हदीस में मजीद मिलते हैं, वो यकीनन हमारे लिए दुनिया में भी बेहतरीन होंगे और आखिरत के दिन भी बेहतरीन होंगे। तो इन कलमात को पढ़ें और पढ़ के अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह मग़फ़िरली वाह देनी वर जुकनी वाह आफिनी, इसको 10 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आउज़ु बिल्लाहि मिन ज़िकिल मकामी यौमिल क़ियामी, इसको भी 10 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह, इसको भी 10 बार पढ़ें। सुभानल मालिकुल कुद्दूस, इसको भी 10 बार पढ़ें। सुभानल्लाह व बिहम्दिही, इसको भी 10 बार पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी 10 बार पढ़ें। अल्लाहु अकबर, इसको भी 10 बार पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको भी 10 बार पढ़ें। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, इन कलमात को पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला यकीन इनका फायदा हमें दुनिया में भी होगा और आखिरत के दिन भी होगा। और तहज्जुद का वक़्त तो वो होता है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने करम से पहले आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारने वाले और फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि है कोई मांगने वाला। तो ये वो वक्त है जब आप अपने लिए भी दुआ मांगें, अपने वालदैन के लिए भी, अपने अजीज़ो अकारब के लिए भी, अपने अजीज़ो अकारब के लिए भी अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सबकी दुआओं को अपनी रहमत से अपने कर्म से कबूल फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।